हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एंटरटेनमेंट। और कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो के थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बहुत टाइम से ये वायरल वीडियोस देख रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर में आजकल के लड़कों को हुआ क्या है। आपको पता है? पता है नहीं पता? चलिए दिखाती हूँ मैं। मतलब क्या था ये? बहन का नेकर पहन के वीडियो बनाना समझ में आ गया, पर टांगे इतनी पतली पतली कैसे यार? क्या वो लड़कियों वाला वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया है? इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता इनको भैया बोलूं या दीदी बोलूं। वाह, देखो यार भाई, ऐसे मत डरा, ऐसा लग रहा है कि ताड़का ही प्रस्तुत हो गई यहाँ पे। मतलब क्या था यार भाई, क्या था? किसी को भी हार्ट अटैक दिला दोगे सामने से देख के। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की डांस कर रही है, ड्रेसअप पूरा वैसा कर रखा था, लेकिन जैसे ही मुड़ा, बाप रे, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा उससे। यार ठीक है, डांस अच्छा करो, पर ये मुंह पे कालिक वालिक लगाने की क्या जरूरत है? हंसी देख रहा हूँ भाई की हंसी, मतलब एक से एक लड़कियां फेल हो जाए। क्यों क्यों करते हो भाई? क्या क्या मिलता क्या है इससे? अरे बाप रे, लचक देख रहा भाई की, मतलब लड़कियां भी फेल हो जाए इनके आगे। एक बार वापस से दिखाती हूँ, देखिए। मान गए भाई की लचक देखी आपने, क्या लचक थी, लड़कियां फेल हो जाए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जितने भी लड़के ऐसे वीडियोस बनाते हैं वो अपनी दाढ़ी मूछें क्यों नहीं शेव कर लेते हैं? हाँ, दाढ़ी मूछें शेव करके आराम से बनाओ, मेकअप तो आप वैसे भी करके बनाते हो, हाँ दिक्कत क्या है? अरे हाँ भाई, बस 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 हो गया, अभी और दूसरे की वीडियो देखनी है। इन भाई साहब की एक और वीडियो दिखाती हूँ मैं, आप हैरान हो जाएंगे। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है देख, मतलब ये सारे वीडियोस देख के मेरे आसपास के ऐसा पेट दर्द होने लग गया था कि मैंने कहा कि इससे तो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी, इतना काफी नहीं है, अभी और भी लोगे। देखता रहूं क्या? माता जी नमस्ते। अरे ये तो माता नहीं पिता है, मुझे लगा कोई देवी वेवी का देवी बने हैं ये, मतलब जो भी है, पर अचानक से देखा कि ये तो देवी नहीं देवता है। और ध्यान से देखा तो देखिए इनकी ज्वेलरी क्या है। देखता रहूं क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। अरे बहन उसको भूख लगी है,
बहन भाई जो भी है उसको भूख लगी इसलिए बोल रहा है ठीक करे देखता रहूं। सारे जो फूल फ्रूट्स थे वो तो तुम लगा के बैठ गए हो ज्वेलरी में, उसको भूख लगी है बेचारे को, अब वो कैसे मांगे इसीलिए बोल रहा है जी करे देखता रहूं ताकि तुम्हें थोड़ी शर्म आ जाए और उसको दे दो खाने के लिए। मुझे तो आज तक यही पता था कि तरबूज सेब ये सिर्फ खाने के लिए होते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि इससे ज्वेलरी के काम भी आते हैं। मैंने इनके लिए एक नाम सोच रखा है, तरबूज देवी। क्या है भाई क्या है? और ऐसा नहीं है, इन सारी ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ इनके लाइक्स मिलियंस में है, कोई ऐसी वैसी ही वीडियो नहीं उठा के दिखा रही हूँ। चलिए दूसरी वीडियो दिखाती हूँ। देखा ही नहीं होगा, देख लेता ना तो न नजर हिलती न पैर। क्या मेकअप कर रखा है भाई, क्या है भाई? बहन जो भी है कुछ खा ले। ए तरबूज वाली दीदी इस बहन को खाने के लिए दे दो, ये एक जगह मतलब खाने को नहीं, ये बेचारा इतना सुकुड़ा हो गया है और दूसरा वो गले में तरबूज की मालाएं लगा के घूम रहा है। क्या है भाई, कहाँ से ये इतना, कहाँ से इतना ऐसे लकड़ी जैसे हुए कैसे हो? लोग मर रहे हैं लकड़ी जैसे होने के लिए। मैं सच बता रही हूँ कि आजकल के लड़कों को हुआ क्या है यार, मतलब उनकी कमर देख रहे हो आप कितनी पतली, क्या लड़कियों को फेल कर दे, हो क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है? हाँ आई है ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा डराया डराया कैसा है? सच में बहुत बुरा डरा रहे हो भाई, ऐसा मत बनाओ वीडियो, डर रहे हो, छोटे बच्चे डर जाएंगे घर में देख के। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। बस 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 भाई रुक जा, क्या कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है, कर क्या रहा है, क्यों नाच रहा है? राशि ये खीर है इतनी पतली, थम जा भाई थम जा, क्या चांद पे जाके मानेगा? हाँ ऐसा गोल 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 शक्तिमान की तरह घूमते घूमते पहुंच जाएगा। नजाकत देखी भाई की, ऐसी नजाकत मतलब लड़कियों को भी पीछे छोड़ दे, ये लड़के आ कहाँ से रहे हैं, कौन सी जनरेशन से आए हैं ये लड़के? हाँ का मतलब किसी अलग फैक्ट्री में बनाए जाते हैं क्या? मतलब मेरा मेन मकसद था इस यहाँ पे वीडियो बनाने का कि लड़कों को हो क्या रहा है, बहनों के क्रॉप टॉप चुरा के पहन लेते हो, मम्मी का ब्लाउज उठा के पहन लेते हो, उनकी साड़ी पहन लेते हो, क्या चल क्या रहा है? और मम्मी का मेकअप उठा लेते हो, बहनों का मेकअप उठा के लगा लेते हो, उस पर वीडियो बनाते हो, चल क्या रहा है? कौन सी जनरेशन है ये, कहाँ से आए हैं ये लोग, चांद से बुलाया है कहाँ से? पृथ्वी के तो नहीं लग रहे मुझे। कर क्यों रहे हो? चलो मान लिया आपको ठीक है लड़कियों की तरह रहना अच्छा लगता है, तो फिर भाई दाढ़ी मूछें तो शेव कर लो, डरा क्यों रहे हो, कुछ तो मतलब सही से तो करो। हद है आप, कुछ भी वीडियो बनाते हैं आजकल लड़के, क्या हो गया है लड़कों को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी भी वक्त है सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कल को शादी करने का वक्त आए तो आपके पास लड़कियों की नहीं लड़कों के रिश्ते आए। आपकी सारी वीडियोस देखें। तो दोस्तों मेरा मकसद किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं है, मैं सिर्फ ये वीडियो फन के लिए बना रही थी और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि अगर आप इसमें से किसी को जानते हैं तो मुझे बताइए,
कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मतलब क्यों बनाते हैं ऐसी वीडियो, क्या मिलता क्या है? हाँ क्यों, आजकल क्या चल क्या रहा है? ये चीज़ है, मान लिया कि अब लड़के भी मेकअप करते हैं, लड़के भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फैशनेबल हैं, लेकिन लड़कियों वाली ड्रेस पहन के ऐसे डांस क्यों करते हैं, लड़कियों की तरह क्यों इस तरीके से रहते हैं? अगर लड़कियों की तरह रहना पसंद है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़कियों के कपड़े पहन के आप दाढ़ी मूछे लगा के, दाढ़ी मूछे बिना शेव किए, वो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? मुझे तो बहुत अजीब लगता है। हाँ थोड़ी सी हंसी भी आती है इन सब चीज़ों पर। तो इट वॉज ऑल फॉर फन ओनली, ठीक है? होपफुली आपको मेरी ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, आया है ना? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैंने ब्यूटी पे, फिटनेस पे, ट्रैवल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो जाके चेक कर लीजिए। इस तरह की वीडियो और चाहिए तो मुझे बताइए, मैं और भी इस तरीके की और वीडियो बनाऊँगी। आज मेरा मन था थोड़ा सा अलग वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने मेरी बहुत दिनों से नज़र थी इन सारी वीडियोस पे और मैं चाहती थी कि एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बना दूँ। जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए और वो सिर्फ हो सकता है आप लोगों की मदद से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, आई फॉलो यू बैक। बता दीजिएगा कि आप यहाँ यूट्यूब से आए हैं। ओके तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय बाय।